आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। दुनिया में कोरोना के वेरिएंट के फैलते खतरे को देखते हुए सरकार ने अब लोगों को बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया है। ये लोगों को अब तक लगाई गई वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा होगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के खिलाफ लोगों को अलर्ट रहने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू करने जा रही है। देश में 3 जनवरी से बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 15 से 18 साल तक के बच्चे 3 जनवरी से ये डोज लगवा सकेंगे, यानी अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन के बाद अब कोरोना के बूस्टर डोज भी मिलने जा रही है और बच्चों के लिए टीकाकरण को मंजूरी मिल गई है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को अब वैक्सीन की डोज मिल सकेगी। उसके बाद जो समय सीमा है उसके अनुसार ही वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लोगों को दी जाएगी। इन बूस्टर डोज के बीच एक अंतराल है जिसके बीच में ये बूस्टर डोज दी जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि एक कोरोना वैक्सीन कम से कम 6 महीने तक कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाती है, ताकि वो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करता है। जो कोरोना वैक्सीन होती है वो हमें लड़ने की क्षमता देती है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो एक वैक्सीन 3 से 6 महीने तक कारगर रहती है, उसके बाद दूसरी वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ाने का काम करती है, और उसके बाद अब बूस्टर डोज को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स को लगेगी बूस्टर डोज। पीएम मोदी ने संबोधन में यह ऐलान कर दिया है। साथ ही 3 जनवरी से बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी। तमाम तरह की वैक्सीनें बन रही हैं और उनको जल्द ही मंजूरी भी मिलेगी WHO से। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, आपात मंजूरी कई वैक्सीन्स को दी जा चुकी है देश और दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त अगर देश में कोई उपयोग में आ रही है वैक्सीन तो वो कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। इन दो का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि स्पुतनिक वी भी देश में मौजूद है जिसका उपयोग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब जल्द ही बूस्टर डोज मिलने वाली है लोगों को, खासतौर से कोरोना वॉरियर्स को पहले ये डोज लगाई जाएगी, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा विभांशु से। कोरोना की वैक्सीन अभी तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा रहा था और एक बड़ा आंकड़ा हम लोगों ने पार कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। हर राज्य की बात करें तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता को वैक्सीनेट किया जा सके। हालांकि जब वैक्सीन आई तो लोगों के बीच काफी भ्रम भी रहा था, जिसे दूर किया गया, जागरूक किया गया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक कर लिया गया और अब बूस्टर डोज की तरफ भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं संवाददाता। विभांशु, जिस तरह से कोरोना की बूस्टर डोज आ रही है और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जैसे कि पहले कोरोना वैक्सीन वॉरियर्स को दी गई है, तो सबसे ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को इसकी जरूरत क्यों है? जी, आपको बता दें शिखा कि वो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो कोरोना वॉरियर्स है वो कोरोना से अगर सबसे पहले अगर कोई उसको रोकथाम में काम कर रहा है तो वो ये वॉरियर है, इसलिए सबसे पहले उनको लगाया जा रहा है। जब वैक्सीन आई थी तो सबसे पहले भी उन्हीं को लगाया गया था और उनको ही दिया गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं और हर दिन उसके मामलों को देख रहे हैं और उनका सुचारू रूप से इलाज कर रहे हैं या फिर किसी माध्यम से वो कोरोना वॉरियर है तो उनका सामना पहले हो रहा है, इसलिए उन्हें पहले लगाया जा रहा है। जी जी, कितने अंतराल के बाद बूस्टर डोज मिलेगी लोगों को? जी, आपको बता दें कि सबसे पहले ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दिया जा रहा है और इसके बाद वो आम जनमानस के लिए दिया जाएगा और इसका एक ही डोज लगेगा। कोविना के दो डोज लगने के बाद ये एक अलग से बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया कि आखिर बूस्टर डोज कब लगेगा, तो कल के संबोधन में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि बूस्टर डोज आ चुका है और सबसे पहले
ये कोरोना वेरिएंट को लगाए जाएंगे। जी, अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है 3 तारीख से बच्चों का, यानी कि 15 से 18 साल के बच्चों का भी अब वैक्सीनेशन हो सकेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? जी, हम साफ तौर से कह सकते हैं कि जो बच्चों के गार्जियन थे, जो अभिभावक थे, उनके अंदर खास तौर पे ये चिंता थी कि हमें वैक्सीन लग चुका है और बच्चों को कब तक लगेगा। तो कल के संबोधन में साफ तौर पे कह दिया गया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन 3 तारीख से, 3 जनवरी से लगना शुरू हो जाएगा। इससे वो अभिभावक काफी खुश होंगे और बच्चों के ऊपर से भी इस कोरोना के खतरे से उनका कह सकते हैं वो बच सकेंगे। और देखा जाए तो ये कोरोना का जो नया ओमिक्रोन वेरिएंट है, इससे साफ तौर पे हमें बचना पड़ेगा। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्यों में टीमें भेज दी है इसको रोकथाम के लिए, और इसकी सूचना डायरेक्ट उनकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। विभांशु, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं और लगातार बच्चों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है, छोटे बच्चों के लिए कब तक वैक्सीन आ पाएगी? जी, आपको बता दें कि 3 तारीख से उनकी वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैक्सीन आ चुका है और 3 तारीख से 15 से 18 के लग जाएंगे, और जो उनसे छोटे बच्चे हैं, जो 15 से नीचे आते हैं, उनकी वैक्सीन पे अभी संशय बना हुआ है कि कब तक उनको वैक्सीन लगाया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है जिससे हमें आपको बता सके। जी, तो 15 साल से ऊपर के बच्चों को अब जल्द ही वैक्सीनेट किया जाएगा, तो एक डोज और दूसरी डोज के बीच में जो वैक्सीन की डोज होती है उसमें कितने महीने का गैप होता है? जी, आपको बता दें कि अगर जो आम तौर पे देखा गया कि 60 से 70 दिन के अंदर दूसरा डोज लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा था, वहीं तो यही ठीक चीज बच्चों के साथ भी होगी, क्योंकि वो वैक्सीन एक जीनोम पैदा करता है शरीर के अंदर जाके, तो उस जीनोम को पैदा होने में 70 दिन लगते हैं। 70 दिन तक वो वैक्सीन हमारे शरीर में रहता है, ठीक उसके बाद दूसरा डोज जब लगाया जाता है तो पूरी तरह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो अभी तक तो इस पर कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन 60 से 70 दिन ही रहेंगे बीच में जो फासले आएंगे दूसरे डोज के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो एक बड़ी खबर तो सामने आ रही है क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और हमारे देश में मुख्यतः 2 वैक्सीन का उपयोग सबसे ज्यादा करा जा रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन का जो डोज है वो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच के अंतराल में दूसरा डोज उपलब्ध हो जाता है, वहीं जो कोविशील्ड है उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये बच्चों के साथ भी होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DRDO और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे, और इसके साथ ही वो DRDO लैब का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम कानपुर रोड के चिल्लावा ग्राउंड में होगा। तो बड़ी सौगात मिलने वाली है लखनऊ को, खास तौर से उत्तर प्रदेश को तो ये बड़ी सौगात मिल ही रही है, जहां DRDO लैब का शिलान्यास करा जाएगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और DRDO और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी नेता भी शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो शिलान्यास का कार्यक्रम है जो कि DRDO और ब्रह्मोस के शिलान्यास किया जाएगा मिसाइल यूनिट का। मिसाइल यूनिट अब लखनऊ में बनाई जा रही है और इसके कार्यक्रम के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मौजूद हैं। 2 दिन के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 25 और 26 यानी कि बीते दिन भी लखनऊ में मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज भी यहां शामिल हैं। और आपको बता दें कि 26 तारीख यानी कि आज DRDO और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे राजनाथ सिंह, और उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर भारत का मुद्दा भी उठा सकते हैं, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में और जिस तरह से DRDO के द्वारा नए नए हथियार उपकरण बनाए जा रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पहले हम विदेशों से हथियार मंगवाते थे,
इंपोर्ट करते थे लेकिन अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अब हम आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। अगर ताकत की बात करें तो डीआरडीओ की मदद से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, और सुरक्षा के मामले में भी हम इतने आत्मनिर्भर बन गए हैं कि बाकी जो दुश्मन देश है वो अब हमसे डरने लगे हैं। और जब अलग अलग ब्रांच, अलग अलग यूनिट, अलग अलग राज्यों में बढ़ रही है, तो ये बता रही है कि हमारे देश की ताकत बढ़ रही है। डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का जो आज शिलान्यास करा जा रहा है वो ये बता रहा है कि हमारे देश की ताकत बढ़ रही है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा, वो किस जगह पे किया जाएगा? लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ठीक बगल में जो एक ग्राउंड है वहां पर ये डीआरडीओ लैब के साथ साथ ब्रह्मोस यूनिट का भी शिलान्यास आज रक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा आपसे कुछ ही देर में। आपको बता दें लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ठीक बगल में जो ग्राउंड है वहां पर ये लैब का निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण करने के लिए, इसका शिलान्यास करने के लिए रक्षा मंत्री खुद यहां पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। जी जी, और कौन कौन से नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं अजहर? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी हो सकता है इस कार्यक्रम में मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम जो डीआरडीओ के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर स्टेज जो है वो लगाया गया है और यहाँ से ही इस स्टेज से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। और आप ये देख सकते हैं पीछे किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो भीड़ है वो आना शुरू हो गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन को सुनने। जी, अजहर, जिस तरह से आज ये बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूनिट का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री, तो इससे लखनऊ को कितना फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये, जिस तरह से यहाँ पे ब्रह्मोस यूनिट का निर्माण किया जाएगा और साथ ही डीआरडीओ लैब का जो शिलान्यास किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं रोजगार को उत्तर प्रदेश को रोजगार भी मिलेगा और लखनऊ वासियों को खास तौर पे लाखों का रोजगार मिलने की संभावना है और लगभग 10,000 करोड़ का जो निवेश है वो डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं देश की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इसको और इसके साथ ही साथ सैन्य शक्ति को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। अजहर, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, डीआरडीओ के जिस तरह से हथियार बना रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का आज शिलान्यास करा जा रहा है, कई बड़ी मिसाइल बनाई जा रही हैं, तो पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत बन रहे हैं, तो अपने संबोधन के दौरान इन सब चीजों को जरूर शामिल करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और क्या कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से इन तमाम चीजों को अगर ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो ये जो स्वदेशी बहुत ही बेहतर मिसाइल है, हमेशा हमने देखा है कि हम रूस से ये तमाम जो ऐसे देश हैं वहां से जो मिसाइल है और तमाम जो उपकरण है वो हम इंपोर्ट किया करते थे लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्णय है सरकार द्वारा काफी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है और ये हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ने से कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ेगा। जी, अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का जो है शिलान्यास किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसकी यूनिट उत्तर प्रदेश के इस जगह पर लगाई जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे पहले आपको बात बता दें, ये वो विशेष मिसाइल है जो कि तीनों सैन्य सेनाओं में शामिल किया जाएगा और इस मिसाइल की खासियत यह है इसको कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, चाहे वो तीनों सैनिक तीनों सेनाओं से कहीं से भी इसको छोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है और ऐसे में यहाँ पर डीआरडीओ ऑफिस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो एक बड़ी उपलब्धि भी है क्योंकि चुनाव भी है और इतनी बड़ी सौगात जो दी जा रही है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वो काफी अहम है और मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया जा रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है और अलग अलग यूनिट
जो देखने को मिल रही है। अब देश के अलग अलग कोने में यूनिट बनाई जा रही है डीआरडीओ की, तो ये बता रही है कि अलग अलग जगह से काम कर सकेगा डीआरडीओ और अपनी ताकत को देश बढ़ा सकेगा। अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसके बारे में सभी जानते हैं कि कितनी बेहतरीन मिसाइल है, इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और दुश्मन इसको इसके बारे में सोच के भी डर जाते हैं कि अगर इससे हमला किया जाएगा तो ये कितना खतरनाक साबित होगा दुश्मनों के लिए। तो वहीं डीआरडीओ लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जिस तरह से बात करते हैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि डीआरडीओ की जो यूनिट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे भी स्थापित की जा रही है देश को और मजबूत करने के लिए और दुश्मनों के दिल दहलाने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।